एवरीवन, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, ये देखिए नेचुरल मशरूम। और आज मैंने आपके लिए इसको कैप्चर किया है कि ये कैसे बड़ी हुई है। देखिए, ये नेचुरली ही माना जाता है कि ये जब भी बारिश होती है बरसात के मौसम में, या बहुत ज़्यादा थंडरिंग होती है, या बादल गड़गड़ाते हैं, तो उस टाइम पे ये पड़ती हैं, मतलब आती हैं ज़मीन पर। तो अब देखिए, और ठीक इसी से मेरे घर के सामने जो है वो हमारा थोड़ा किचन गार्डन है, जहाँ की यहाँ पे हरी मिर्ची भी लगी हुई है। इसी के आसपास जो है ये यहाँ पर नज़दीक से इनके आसपास ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अब मैं यहाँ से इसको बड़े प्यार से ना, अब देखिए कितना ज़्यादा इसका जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा, और प्यार से इसको निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल प्योर। और उसको कैसे कैसे बनाना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप कुदरत का करिश्मा देखिए। आप बहुत ज़्यादा पैकेट में पैकिंग वाले मशरूम देखते होंगे, या जो कि बहुत अलग तरीके से अलग अलग नर्सरीज में तैयार किए जाते हैं, लेकिन आप देखिए इसको, देखिए आप रियली में ही कुदरत भी कोई चीज़ है। फ्रेंड्स, आप माई हैप्पी यूनिवर्स पे हमेशा ही जो भी चीज़ देखेंगे, नेचुरल देखेंगे, ओरिजिनल देखेंगे और रियल देखेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी और भी बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, लेकिन पहले आप प्लीज़ इस कुदरत के करिश्मे को देखिए कि इतनी बड़ी मशरूम, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा जब मैं इसको बनाऊंगी, और मैं किस तरह बनाऊंगी आपको सब बताऊंगी। बट प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट, इस कुदरत के नाम तो बनता ही है। तो चलो फिर बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। प्लेट पर रख दिया है और अब मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी, तो सब्जी भी जरूर शेयर करूंगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और यहाँ पर कट चुकी है सब्जी, जो कि मैंने आपको बताया था टिट मोर जिसको हम बोलते हैं। अब ये मैंने इसमें पीस लिया है दरदरा, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। लिक्विड भी बनाएंगे आधी, तो बताती हूँ आपको कैसे कैसे बनी है, ठीक है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और यहाँ से इस तरह से मैंने टमाटर और टिट मोर को रख लिया है, और ये छोटा कड़ाटू जिसे हम बनेगी ये सब्जी, क्योंकि गैस पे बना रहे हैं और बहुत ही कम ऑयल में बनेगी ये मम्मा के लिए स्पेशली। बस इतना सा ऑयल ही डालेंगे, और अब आप देखेंगे तेल गर्म हो चुका है, गैस को कर देती हूँ कम क्योंकि आपको पता ही है। अब इसमें डालेंगे सेम मसाले, वही जो हम हमेशा यूज़ करते ज़्यादा, थोड़ा सा मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा। अब यहाँ पर जो मेरे पास है मेरे हाथ में, क्योंकि आपको बताऊँगी मैं कैसे डाल रही हूँ कुंडी से, यहाँ पर इसके थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे इसको, ब्राउन होने पे इसे पकाएंगे। और यहाँ पर इस तेज से छोटे से कड़छी से लगाएंगे छेड़ा। ये देखिए, ये हमने उसी बाबा जी के मंदिर से लिए थे, और इस तरह से लगाएंगे प्याज लहसुन हरी मिर्च का तड़का, और इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है ना, आप यकीन मानिए बहुत मज़ेदार सब्जी बनने वाली है, बट बहुत ही कम ऑयल में, ऑयल की कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, आई थिंक इससे भी कम ऑयल जो है मैंने डाला इसमें। तो ये बहुत गलत बात होगी कि ज़्यादा तेल से ही खाना टेस्टी बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाना हमेशा कम ऑयल में ही सबसे ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस और टेस्टी बनता है। तो लेट इट फ्राई टिल द ब्राउन कलर, इसके बाद आपको बताते हैं इसके अंदर और क्या क्या ऐड करेंगे। थोड़ा सा आंच को अब डाल देंगे इसमें, हम मसाले ऐड करते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, हाफ से थोड़ी सी कम, इतना सा नमक हाफ से थोड़ा कम, और धनिया पाउडर, ठीक है। तो कुकिंग कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, थोड़ा सा इनको मिक्स करेंगे, भूनेंगे। और हींग डालेंगे थोड़ा सा, एक पिंच लिक्विड हींग है, क्योंकि लिक्विड हींग एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से जो है वो सब्जी में मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए हम जो है वो थोड़ा सा, आपको पता है मैंने पहले भी आपको बताया था, बस खुशबू के लिए। और इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा राड़ा लगा रहे हैं हम। आज हम बना रहे हैं वैसे वेजिटेरियन चिकन, है ना, वेजिटेरियन चिकन, जो वेजिटेरियन लोग हैं ये उनका चिकन है। अब हम इस स्टेज पे देखो फ्रेंड्स, अब मैं ना दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके इकट्ठे ही डाल रही हूँ उनको, टिट मोर एंड टमाटर, वाओ नाइस कॉम्बिनेशन। और मैं, मुझे स्नीजिंग ना आ जाए क्योंकि थोड़ी सी मिर्ची भी है, अब थोड़ी देर बाद ये ऐसी पक्की रहेगी, आपको बताऊंगी बिल्कुल लाइटली कितना टाइम इसको लगा। आई थिंक 2-3 मिनट हो चुके हैं बनते बनते,
तड़का डालते डालते तेल से लेके गैस पर रखने से लेके इसको पूरे तकरीबन 3 मिनट 11 सेकंड और अभी थोड़ी देर में ही आपके सामने बिल्कुल अमेजिंग तरीके से चिकन फ्राई वेजिटेरियन बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए आप, चलो लेट इट कुक और बताऊंगी आपको फिर ये कैसे बनी है। थोड़ी देर तक ऐसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोगों को स्नीजिंग भी आ रही है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, हम अपने व्यूअर्स के साथ वैसे ही सब्जी शेयर करेंगे जैसी ये बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो 1 से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, और नजदीक करती हूँ, अच्छी पक रही है। और हमेशा फ्रेंड्स, एक और चीज बताना चाहूंगी आपको, इसको हम कवर कर देते हैं इस प्लेट से 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मेरे आपको कहा ना, सब्जी सॉफ्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है अपने दूध वाले बर्तन ही हाथ में आए इस टाइम जल्दी जल्दी में, मैंने सोचा फटाफट इसको कवर करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, ताकि बहुत ही एक तरह का सॉफ्टनेस का और एक बहुत ही टेस्टी टेस्ट देता है। सो आई होप कि अगर आप मशरूम लवर हैं तो इसको काफ़ी हेल्दी वे से बना के खाना, यही मेरी वीडियोस में आपको अलग चीज़ मिलेगी। रेसिपीज तो आप बहुत सी देखते होंगे, लेकिन ऐसी रेसिपीज शायद बहुत कम देखते होंगे कि जिसमें हम एक ही बार में आपके साथ सब कुछ, सब्जी काटने से लेके बनाने से लेके आपके साथ सब कुछ इक्वली शेयर कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वाओ, और ये देखिए इसकी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, ये पक गई है, अमेजिंग। ये देखिए टमाटर, नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, और मैं लेफ्ट हैंड से ही जो है ना वीडियो को सब्जी को तड़का लगा रही हूँ, और ये मम्मा ने कहा कि ये 1 से 2 मिनट में ही पककर तैयार हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा इसको सर्व करके गर्मा गर्म चपाती के साथ, और बाउल में डाल के बताती हूँ। और अब आपको बताते हैं गर्मा गर्म मशरूम चपाती। अगर आपको पसंद है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर गर्मा गर्म चपाती के साथ बनेगी मेरी मशरूम की सब्जी। जो कि चपाती मैंने पहले ही बना के रख ली है, पर गर्म है अभी भी। चलो तो फिर अब आपको मैं सर्व करके भी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वाओ, मेरे तो मुँह में बहुत अच्छे से पानी आ रहा है, ये देखिए। चलो तो थोड़ी थोड़ी सभी शेयर कर लेंगे, क्योंकि अगर सारी मैं ही खा जाऊंगी तो क्या बचेगा औरों के लिए। तो चलो एनीवेज़, यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर भिगोने में है दूध, और यहाँ से देखिए आप, ये देखिए अमेजिंग।